गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, कैसे हैं बच्चों? हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था इसमें? क्या था? हार्ट, हार्ट, उप, हार। क्या चल रहा था? उपहार। उपहार क्या था? मनुष्य जीवन बहुत ही भाग्य से मिलता है, इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ ना गवाकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए या दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे जो थे वो थे धरा और समीर। वो अपने चाचा के गांव आए, उन्होंने वहां की स्थिति देखी। वहां की स्थिति कैसी थी? बहुत ही बेकार थी। वहां जो लोग थे बहुत ही गरीब थे, ठीक है, गरीब थे। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे अच्छे है, और गंदगी में रहना, खेलना, वहां के जो बच्चे थे वो सब गंदगी में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, गंदगी में ये सब काम, खेला वेला, मम्मी पापा उनके काम करते रहते थे, ये सब इस तरीके का उनका गाँव का माहौल था। उन बच्चों ने क्या किया? उन बच्चों ने दृढ़ संकल्प लिया कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि हम संकल्प लेते हैं कि यहाँ की कंडीशन को सुधारेंगे, या कि यहाँ के लोगों को सुधारेंगे। तो इसमें उन्होंने अपने चाचे जो थे, उनके जो चाचा थे जो डिस्पेंसरी इंचार्ज बनकर वहां पे आए थे गांव में, उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी। जो बात रखी तो उसके बाद में उन्होंने उसको क्या किया? सहयोग करने के लिए यस बोला चाचा जी ने। जब चाचा जी ने यस बोला उसके बाद में उन्होंने संतुष्टि मिली कि अब हमारी भी कोई बड़ा हेल्प कर सकता है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि चाचा जी, चाचा हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़े आप हमें लाके देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, डन कर दिया उन्होंने। फिर जो सामान था उन्होंने लाके उनको दिया। ठीक है, फिर बच्चों ने क्या, पेपर, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, कलर, ठीक है, ये सब लाके दिए। फिर उन्होंने उन बच्चों को बुलाया, लाके उन बच्चों को दी धरा और सभी को। फिर उन बच्चों को बुलाया गया, उनसे बोला गया कि सब लोगों को उस जगह इकट्ठा होना है और सभी बच्चे नहा धो के साफ सुथरे होके वहां पे इकट्ठे होके वहां पे आना है, कुछ आपको खेल खिलाया जाएगा। तो उन बच्चों में थोड़ा सा उत्साह हुआ। उत्साह होने पर वो बच्चे सोचे कि पता नहीं आज उनको क्या गेम खिलाया जाएगा, क्या खिलाया जाएगा। तो इसीलिए फिर वो लोग नहा धो के अच्छे तरीके से वहां पहुंच गए। तो उन्होंने सोचा धरा समीर ने कि चलो पहला पड़ाव हमारा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी कामयाबी दिखी तो उनको संतुष्टि मिली। फिर उन्होंने उन सब बच्चों को पेपर बांटे, आकृति बना बना के उसमें दी, एप्पल की आकृति बना के दी, मैंगो की, उन्होंने उस पे कलर करने के लिए कहा, उन बच्चों ने कलर वगैरह सब करे। ठीक है, फिर इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा उन बच्चों को। फिर आप देखो आगे क्या करते, फिर उन्होंने क्या किया, चाचा जी बोले, बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन बच्चों का ध्यान रखूंगा। क्यों, क्या बात की थी कि भाई उन बच्चों के भी स्कूल खुल गए थे दरा और समीर के, और चाचा जी बोले बेटा आपके स्कूल खुल गए, अब आपको शहर वापस जाना चाहिए। तो उनको घबराने लगे कि चाचा जी हमने इतनी मेहनत करी और ये बच्चे बहुत अच्छे उस पे आ गए हैं, तो अगर ये बीच में रह जाएगा तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, जितनी मेहनत करी वो सब पानी में चली जाएगी। तो चाचा जी बोले बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन बच्चों का ध्यान रखूंगा। धरा और समीर ने चाचा जी से वादा लिया और समीर के दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को वह सब सिखाया जाए जो हमारे स्कूल में ग्राफ्ट के पीरियड में
सिखाया जाता है, यानी स्कूलों में तो हर पीरियड चलता है ना कि भाई ड्राफ्ट का भी पीरियड है, डांस का भी पीरियड है, स्पोकिंग का भी है, स्पीच भी दिया जाता है, हर चीज स्कूल में सिखाई जाती है। अभी गांव में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती है, जो वो वाला गाँव था उसमें, ठीक है। आज तो गाँव बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। धरा और समीर ने सारे बच्चों की 3 लाइनें बनाई, क्या क्या 3 लाइन बच्चों की बनाई। एक लाइन में कागज के लिफाफे बनाना, दूसरी लाइन में पतंग बनाना सिखाया, और तीसरी लाइन को उन्होंने फिरकी राखी आदि बनाना सिखाया। क्या सिखाया? जो धरा और समीर को स्कूल में सिखाया जाता था वही चीज इन्होंने उन बच्चों पे इस्तेमाल किया, और लाइन बना के 3 लाइन बना के उन बच्चों को वो चीज बनाना सिखाया, ठीक है। अब तो बच्चे उत्साह में ये सब सीख गए। एक बार का कच्चा माल तो धरा और समीर ने अपने चाचा जी से कहकर मंगवा लिया और बच्चों के माता पिता को हिदायत दी कि वे इस माल को शहर में बेच आए। क्या करें? जो बच्चों ने माल बनाया वो सब उन बच्चों के माँ बाप से कहा कि इन सबको बाजार में यानी शहर में जाए और बेच के आए, और जो पैसे मिले उससे दूसरा माल ले आए। यानी जो बच्चों ने लिफाफे बनाए, राखियां बनाए, फिरकी बनाई, पतंगे बनाई, उनको आप इकट्ठा करके ले जाइए और मार्केट में उनको डिस्ट्रीब्यूट यानी बेच के आ जाइए, और जो परचेज करेंगे उसके बाद में आपके पास जो पैसा आएगा, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास पैसा आएगा फिर आप उसको पैसे से दूसरा माल वापस से खरीद के लेके आए, ठीक है। ये सब बच्चों के पेरेंट्स से बोला और है अब तो सारे बच्चे उसी काम में लगे रहते। बड़ा अच्छा लग रहा था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता जा रहा था, सारे बच्चे फूले नहीं समा रहे थे, यानी सारे बच्चे खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, उनको बहुत खुशी हो रही थी कि हमने बहुत अच्छा काम सीखा। बड़ा अच्छा लग रहा था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता जा रहा था, सारे बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। 10 दिन बाद चाचा जी समीर और धरा को शहर छोड़ने जा रहे थे। बच्चों से दूर जाने का सोचकर धरा और समीर का मन बहुत ही भारी हो गया। क्या हो गया? धरा और समीर का मन था वो बहुत ही भारी हो रहा था, लेकिन दिल में एक सुकून था कि वे इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। तभी उन्होंने देखा कि सारे बच्चे उन्हें रो रो कर कह रहे थे, दीदी भैया मत जाओ। बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनके साथ उन्होंने बहुत सारे टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारी चीजें उनको सिखाई थी। सबसे फर्स्ट नंबर बात तो उनको साफ सुथरा रहना सिखा दिया था, जो बच्चे मिट्टी और गंदगी में खेलते थे ना वो सब उन्होंने बंद करा दिया था, है ना। उनको रोता देख समीर और धरा भी रोने लगे। समीर और धरा को विदा करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर कहां से आए ये नन्हे फरिश्ते जिन्होंने पूरे गांव की काया पलट कर दी। यानी ये बच्चे कहां से आए थे, ऐसे फरिश्ते जिन्होंने पूरे गांव की क्रियाकलाप यानी पूरे बदल ही डाला, अच्छे बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया। जो लोग ऐसे गंदगी में रहने वाले थे उनको सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाई, साफ सुथरा रहना सिखा दिया, और कैसे करते बहुत कुछ किया। बच्चों ने और
के माता पिता ने धरा और जमीन को गले लगाया और सभी बच्चों ने अपनी कमाई से धरा और जमीन को एक एक उपहार दिया। क्या दिया? उसको उपहार कहो या गुरु दक्षिणा कहो, क्योंकि जो हमको गुरु सिखाते हैं उसको हम गुरु दक्षिणा भी देते हैं। जैसे कि टीचर डे होता है तो बहुत से बच्चे कोई पेन दे रहा है, कोई पेंसिल दे रहा है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, इस तरीके का आइटम सब देती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही उन बच्चों ने भी धरा और समीर को एक एक उपहार दिया। नम आंखों से उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, ठीक है। शहर पहुंचकर जब वे पहले दिन स्कूल पहुंचे तो टीचर ने सबसे पूछा उनकी छुट्टियां कैसे बीती। तो धरा और समीर ने अपनी पूरी कहानी टीचर को सुनाई। उनकी कहानी सुनकर टीचर ने दोनों को गले लगा लिया और बोली, अरे नन्हे बच्चों, तुम्हें पता भी है तुम कितना महान काम करके आए हो। उनकी बात सुनकर कक्षा के हर बच्चे ने मन ही मन प्रण किया कि अगली छुट्टियों में हमें भी कुछ ऐसे करेंगे जिससे हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो। एक दिन गांव में चाचा जी का फोन आया। क्या आया? एक दिन गांव से चाचा जी का फोन आया कि अब इस गांव में कोई भी गरीब नहीं है, ठीक है। गांव के सारे स्त्री पुरुष काम करते हैं, बच्चे साफ सुथरे और पढ़ने में भी होशियार हो गए हैं। सबका दाखिला गांव के बाहर स्कूल में करा दिया है। यह सुनकर धरा और समीर उनके माता पिता का सीना चढ़ गया। क्या? सभी बच्चों को जैसे धरा और समीर ने किया उसी तरीके से सभी बच्चों को करना चाहिए भाई। दूसरों की मदद बहुत ही जरूरी है। ये जो हमारा मानव शरीर हमको जो मिला है बड़े ही भाग्यों से मिला है, हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उसको पूरा उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमारा जो था चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, ये पार्ट 3 जो है आपको रीड करना है, ठीक है। इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके। पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में भी